आप लोगों को एक स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी और मुझे लगता है कि हमारे देश की जब राजनीति की बात होती है या फिर कांग्रेस की बात होती है, बीजेपी की बात होती है या फिर आप लोग छोड़िए इनको, अगर गांधी परिवार की बात होती है और उसमें हम लोग अगर मेनका गांधी को ना देखें, ना पढ़ें उनके बारे में, तो मुझे लगता है इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और आप लोग मेनका गांधी को एक नाम से और जानते होंगे, संजय गांधी को आप लोगों ने सुना होगा। और ये संजय गांधी वही है जो आप देखते हैं कि 1975 से 77 के बीच जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जगह कौन फैसले लेता था, संजय गांधी उस समय फैसले ले रहे थे। टोनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप देख भी सकते हैं, एक आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी। ये राजीव आपके संजय गांधी हैं और ये आपकी मेनका गांधी हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको संजय गांधी दिखाई दे रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मेनका गांधी के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको बता देंगे, या फिर आप लोग इन्हें मेनका गांधी की जीवनी कह लीजिए, बायोग्राफी देख लीजिएगा। इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी चर्चा में भी रही है उस समय, या फिर आप देखिए इनका विवादों से भी काफ़ी नाता रहा है। और आप सोचिए कि पहले कांग्रेस के हिस्सा हुआ करती थी और आजकल आप देखते हैं बीजेपी का हिस्सा है, समझ रहे हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात है कि ये गांधी परिवार से इनका संबंध रहे। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक संजय गांधी, एक आपकी राजीव गांधी, तो संजय गांधी की पत्नी भी है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए इन्हें, ये है आपकी मेनका गांधी। और अभी वर्तमान में बात करें तो ये लोकसभा सदस्य भी है। क्या है? लोकसभा सदस्य भी है। इनके पूरे नाम की बात करें तो मेनका गांधी इनका नाम है। इनका जन्म होता है 26 अगस्त 1956 को और इनका जन्म होता है न्यू दिल्ली में। अगर हम लोग इनकी माता की बात करें तो अमृतेश्वरी देवी इनका आनंद इनका इनकी माता का नाम, और तरलोचन सिंह आनंद इनके पिता थे। अगर पति की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि संजय गांधी इनके पति का नाम, संजय गांधी इनके पति, आपको देख भी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये संजय गांधी है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग इनके पुत्र की बात करें तो वरुण गांधी, और आपको बता दूं कि वरुण गांधी भी आपके बीजेपी में है और आपके लोकसभा सदस्य भी हैं वरुण गांधी। और यहाँ आप लोग वरुण गांधी को भी देख सकते हैं, ये वरुण गांधी है और ये आपकी मेनका गांधी है। अगर हम लोग इनकी सास की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी इनकी सास थी। कौन? इंदिरा गांधी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री भी रही इंदिरा गांधी, और कई कड़े इन्होंने फैसले भी लिए हुए थे। आप सभी जानते हैं कि 1971 का आप लोगों ने भारत पाकिस्तान का युद्ध सुना होगा और उसी में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और बांग्लादेश एक नया देश उभर के आया हुआ था और शक्तिशाली लेडी माना जाता है, ठीक है, कड़े फैसले लेने में। और आपकी स्क्रीन के सामने आपको इंदिरा गांधी की फोटो भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इनकी अगर हम लोग ससुर की बात करें तो फिरोज गांधी इनके ससुर का नाम था, फिरोज गांधी। यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये है फिरोज गांधी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इनके जेठ का नाम राजीव गांधी, आप सभी जानते हैं राजीव गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनकी अगर आप लोगों को फोटो देखनी है तो ये आपको स्क्रीन पर ये भी दिखाई दे रहे होंगे, कौन? राजीव गांधी। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, राजीव गांधी के बारे में। और अगर आप लोग इनकी जेठानी की बात करें तो सोनिया गांधी इनकी जेठानी है, जो आप सभी जानते हैं कि अभी कार्यकारी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी है, और वो भी काफ़ी एक तरह से शक्तिशाली लेडी कह सकते हैं आप लोग। आपको स्क्रीन पर सोनिया गांधी भी आपकी दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद आप देखें भतीजे की बात करें तो राहुल गांधी भतीजे का नाम है और आप सभी जानते हैं कि ये लोकसभा सदस्य भी है। ये आपको स्क्रीन पर राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे होंगे। और एक और बचती हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में, तो प्रियंका गांधी को भी देख लीजिए आप लोग, ये है आपकी प्रियंका गांधी। तो ये है इनका भरला, एक तरह से परिवार पूरा भरा पूरा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर आपकी प्रियंका गांधी हो, ये सभी कांग्रेस में है, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी ये दोनों लोग किस में है? बीजेपी में है, ठीक है।
तो आपको बता दूं कि धर्म जब इनका 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 जन्म होता है तो इस सिख धर्म में इनका जन्म होता है, सिख परिवार में इनका जन्म होता है। लेकिन आपको बता दूं शादी के बाद ये हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो संजय गांधी थे वो हिंदू परिवार से थे। जाति की बात करें तो ब्राह्मण इनकी जाति है। अगर बात करें इनकी शिक्षा की तो दिल्ली लॉरेंस स्कूल और लेडी श्री राम कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ली हुई है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। पेशा की बात करें तो मॉडलिंग भी, एक्ट्रेस भी रह चुकी है, राजनेता है ही, लेखिका भी है, पशु अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविद भी ये है। तो आप कह सकते हैं कि कई क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं। इनकी अगर हम लोग पार्टियों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जनता दल में ये 1988 से लेकर 1998 तक रहती हैं, और याद रखिए बीजेपी का ही, बीजेपी उसी से निकली हुई एक तरह से आप कह सकते हैं। और आप देखेंगे ये 1998 से 2004 तक निर्दलीय रहती हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं रहती हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सन 2004 में ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है, बीजेपी को ज्वाइन कर लेती हैं। अगर हम लोग इनके मॉडलिंग करियर की बात करें तो जब वह कॉलेज में थी तब उन्होंने कई ब्यूटी प्रेजेंट्स और फैशन शो में हिस्सा भी लिया था। और ऐसा माना जाता है कि राजीव जो संजय गांधी थे, इनका इनकी मुलाकात इसी समय होती है इनके मॉडलिंग के समय, और दोनों में प्यार होता है और आगे जाके शादी के बंधन में भी बनते हैं। और इससे उनकी रुचि मॉडलिंग में हो गई, और कॉलेज में रहने के दौरान उसने कई मॉडलिंग असाइनमेंट भी लिए थे। बॉम्बे डाइंग के लिए एक विज्ञापन के लिए एक मॉडल के रूप में चयनित होने पर उसे पहला बड़ा मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिला था, और इस विज्ञापन के लिए उनकी काफी सराहना भी की गई थी। और जब संजय गांधी को विज्ञापन में देखकर उससे प्यार, यानी कि उनसे प्यार हो गया था। तो इनकी लव स्टोरी आप देखिए, चाहे आप लोग सोनिया गांधी की देख लीजिए, राजीव गांधी की देख लीजिएगा, तो इनकी काफी सफल लव स्टोरी भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी लव स्टोरी की, और आजकल देखता हूं कि आप लोगों को इनकी लव स्टोरी किसी की भी हो बड़ी दिलचस्पी होती है। तो संजय और मेनका गांधी पहली बार दिल्ली की एक शादी में मिले, और मेनका की कजिन की शादी थी, उनके भाई के कुछ दोस्त साथ आए हुए थे और पार्टी चल रही थी और सब अपने में मशगूल थे। मेनका खाना खा रही थी ऐसा माना जाता है। देखिए अब क्या था क्या नहीं था ये तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां से ले लेते हैं। और अवान के बारे में पीछे उन्हें किसी से आवाज दी कि एक्सक्यूज मी, देयर इज अ लॉन्ग टाइम लाइन, कैन आई इट फ्रॉम योर प्लेट, यानी कि मैं आपकी प्लेट में खा सकता हूँ क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। ये कौन कह रहा था? ये संजय गांधी कह रहे थे। और आज के समय में मुझे लगता है कि इतना बोल पाना बड़ा मुश्किल है। या तो हो सकता है कि आप सोचिए कि एक अच्छे खानदान से होने के कारण, शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से होने के कारण बोल लिया वो, वरना सोचिए कि आप किसी को नहीं जानते हैं तब इतना बोल पाना बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। मेनका गांधी पलटती हैं और देखती हैं कि कोई और नहीं संजय गांधी थे, और संजय उनके भाई दोस्त थे। संजय और मेनका गांधी के भाई की बात करें, और उस समय आप बात करेंगे तो मेनका गांधी 17 साल की थी और संजय से यानी कि 10 साल छोटी थी। और इस तरह आप देखेंगे संजय गांधी और इनकी मुलाकात हो जाती है। तो आपको बता दूं कि संजय गांधी से 10 साल छोटी थी मेनका गांधी, और संजय गांधी ने बिना देर किए अपने दोस्त उससे उसी दिन मेनका गांधी की बात कर ली, और संजय के दोस्त यानी मेनका के भाई ने अपनी माँ को बताई ये बात। और पहले तो आपको बता दूं कि इनकी माँ यानी कि मेनका की माँ तैयार नहीं हुई। उसके बाद आप देखेंगे दोनों परिवार मिलते हैं, इंदिरा गांधी तक खबर पहुँचती है, और आप देखेंगे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और दोनों परिवार मिलते हैं और दोनों में शादी हो जाती है। तो इस तरह से इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी सफल रही है, और मैं तो यही कहता हूँ कि सभी की रहे। अब बात आती है राजनीतिक सफर की। आप देखिए कि किसी व्यक्ति के बारे में आजकल हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं तो मुझे लगता है कि उसके राजनीतिक सफर को देखकर ही हम लोग उसके बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं, वरना लव स्टोरी तो आप देखते हैं कितने लोग आते हैं चले जाते हैं। तो मेनका गांधी काफ़ी सफल राजनेता भी आप लोग कह सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इन्हें राजनीति विरासत में मिली हुई है। लेकिन आपको बता दूं मेनका गांधी और वरुण गांधी को ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपनी दम पर राजनीति में
पैठ बनाई हुई है। मेनका गांधी संजय गांधी से शादी के ठीक बाद राजनीति में शामिल हुई थी। और आपको एक बात और बता देता हूं, देखिए राजीव गांधी की दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी, संजय गांधी आप देखिए कि बड़े बड़े फैसले लेते थे राजनीति में और इंदिरा गांधी के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद और राजीव गांधी की पहले डेथ राजीव सॉरी माफ करिए संजय गांधी की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और मजबूरन आप कह लीजिए राजीव गांधी को कांग्रेस में आना पड़ता है, राजनीति में आना पड़ता है, ठीक है। और वह अभियानों में जाती थी मेनका गांधी, उनके साथ रैलियों में भाग भी लेती थी, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और सक्रिय राजनीति में भी नहीं थी, ठीक है। संजय गांधी की बात कर रहा हूं, अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें यकीन था कि वह पार्टी में संजय का स्थान प्राप्त कर लेंगी और इंदिरा गांधी के साथ राजनीति में हिस्सा लेंगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी को संजय की जगह लेने के लिए राजनीति में लाया गया और जो मेनका के लिए काफी झटका था, जैसा कि उससे उन्हें लगता था कि उनके साथ धोखा हुआ और इसी समय आप देखेंगे कि वो कांग्रेस से अलग हो जाती है, ठीक है। इंदिरा गांधी के साथ बाहर होने के बाद उन्होंने संजय गांधी समर्थकों के साथ मिलकर 1983 में राष्ट्रीय संजय मंच नाम की एक पार्टी भी बनाई हुई थी, किसके, संजय गांधी के नाम पर, एक तरह से 1983 में उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और 5 में से 4 सीटें भी जीती हुई थी। यह उनके लिए एक उपलब्धि थी क्योंकि उनकी पार्टी काफी नई थी और आप सभी जानते हैं कि एक नई पार्टी बनाना, उसे ऊंचाइयों तक ले जा पाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और आप सोचिए कि नई पार्टी बनती है और हाल में ही चुनाव लड़ती है और 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 4 जीत जाती है, तो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी पकड़ रही होगी। फिर आप सभी जानते हैं कि 1984 में उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार जाती हैं। जनता की सहानुभूति के कारण उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्राप्त किया था। आप सभी जानते हैं कि देखिए किसी परिवार में जब हत्या हो जाती है तो उसकी सहानुभूति जनता उसने उसके परिवार के मेंबर को देती है। आप सभी जानते हैं कि देखिए इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद राजीव गांधी को भारी बहुमत मिलता है, सहानुभूति मिलती है और इसी का परिणाम रहा है कि आप देखिए अमेठी चुनाव जीत जाती है अमेठी से। और आप सभी जानते हैं कि अमेठी एक इनकी अच्छी सीट रहती थी, लेकिन पिछली बार जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी यहां से हार चुके हैं। फिर आप देखेंगे 1988 में उन्होंने अपनी पार्टी को जनता दल में विलय कर लिया और उन्हें महासचिव भी नियुक्त किया गया। फिर अगले साल वह जनता दल के टिकट पर पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई, यानी कि 1989 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखेंगे उन्हें वीपी सिंह सरकार में पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और आपको बता दूं ये राज्य मंत्री आप कैबिनेट में देखते हैं ना, वो एक तरह से आप देखिए उनकी सलाह के लिए, कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए इस तरह का पद बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने 1996-1998 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत हासिल की। और आप देखिए कि निर्दलीय चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, कुछ तो आप समझिए कि जनता के बीच उनकी पॉपुलर रहे होंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1999 में उन्होंने भाजपा को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, जब आपकी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। फिर आप देखेंगे सन 2004 में वह उनके बेटे वरुण गांधी भाजपा में शामिल हो जाते हैं। वह पीलीभीत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी और तब भी वो जीतती रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 2014 में उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। जब आपने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं उसी समय की बात कर रहा हूं। फिर आप देखेंगे 2019 में आपके 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और वह सुल्तानपुर सीट से चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती भी हैं। तो अभी भी आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य हैं और आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं, आपकी एज 18 साल की हो चुकी है, तो आपका मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा और आपका आप वोट डालने भी जाते होंगे, ठीक है। अगर हम लोग मेनका गांधी की पर्यावरण वित्त के रूप में बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण कार्यकर्ता भी रही हैं,
तो मेनका गांधी जी को पर्यावरण और जानवरों के प्रति काफी प्रेम था और इसलिए भी अक्सर उनके कल्याण के लिए कार्य किया करती थी और इसलिए उन्होंने पर्यावरणविद के रूप में भी जाना जाता है। मेनका गांधी ने पशु अधिकारों के मुद्दे को सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। सन 1995 में वे जानवरों पर प्रयोग के नियंत्रण और उनकी देखभाल के उद्देश्य के लिए कमेटी की अध्यक्ष भी बनी और समिति के सदस्यों ने उन पर प्रयोगशालाओं में अचानक जांच करना शुरू की और जहां जानवरों पर रिसर्च की जाती थी। मेनका गांधी ने जानवरों के कल्याण के लिए पीपल फॉर एनिमल नाम की एक संस्था भी बनाई हुई थी। इसके अलावा मेनका ने लोगों को जानवरों के कष्टों के बारे में जागरूक करने के लिए टेलीविजन पर हेड्स एंड टेल्स नामक शो भी शुरुआत की थी और मेनका गांधी ने जानवरों की सुरक्षा के लिए कई नियम भी बनाए थे और इस तरह के कार्य मेनका ने पर्यावरणविद के रूप में जानवरों के कल्याण के लिए किए हुए थे। और आप सभी जानते हैं, देखिए, पर्यावरण पर उतना हमारा अधिकार है जितना कि एक तरह से जानवरों का है, या आप कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर उतना अधिकार हमारा जितना अधिकार है उतना ही जानवरों का है। और आप सोचिए, पर्यावरण को या हमारी पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग पहुंचाते हैं। आप सोचिए, जीव जंतु हैं, वो अपनी भरपाई करते रहते हैं, वो उनके अंदर इतनी लालच नहीं होती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि एक लेखिका के रूप में भी इनका नाम काफी चर्चित रहा है, तो किताबों के नाम भी देख लीजिए, द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स, ये इनकी पहली बुक्स है, और एक बुक का नाम है द कंप्लीट बुक ऑफ मुस्लिम एंड पारसी नेम्स, एक बुक का नाम है इनका द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स फॉर गर्ल्स, एक इनकी बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स फॉर बॉयज, एक इनकी बुक का नाम है ब्रह्मा हेयर, और एक इनकी बुक है इंद्रधनुष एवं अन्य कहानियां। इन सभी पुस्तकों को भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछ ले। पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें आप देखिए, अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलना स्वाभाविक हो जाता है। सुप्रीम मास्टर चिंग है इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से साइनिंग वर्ल्ड कंपेशन अवार्ड, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि $20,000 का चेक था, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। महिला सक्षमीकरण और बाल कल्याण के कार्य के लिए ह्यूमन अचीवर अवार्ड भी मेनका गांधी को दिया गया था। रुक्मणी देवी अरुंदले एनिमल वेलफेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आप देखेंगे 1992 में RSPCA की तरफ से लॉर्ड एरिकस ने अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 1994 का वर्ष का पर्यावरण कार्यकर्ता और शाकाहारी पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। 1996 में आप देखेंगे प्राणी मित्र पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 1996 में पर्यावरण की कार्य के लिए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। 1997 में मार्चिंग एनिमल वेलफेयर एंड सेलिंग प्राइज स्विट्जरलैंड की तरफ से इन्हें मिला था। 1999 में बेनू मेनोन एनिमल अलाइज फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1999 में सत्य अहिंसा और शाकाहार के कार्य के लिए भगवान महावीर फाउंडेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1999 में दिवाली वैन चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिर आप देखेंगे सन 2000 में इंटरनेशनल वीमेंस एसोसिएशन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड चेन्नई से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2001 में ही आप देखेंगे पर्यावरण प्राणी कल्याण के कार्य के लिए दीनानाथ मंगेशकर आदि शक्ति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 2008 में ASG जैकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग इनके चाहे पक्षकार हों या विपक्ष के हों, आप लोग जान चुके होंगे कि मुझे लगता है कि कुछ तो इनका काम होगा, जनता के बीच इनकी कुछ तो पहुँच है, इतना अच्छा काम किया हुआ, इतने सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके विवादों की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो राजनेता होता है उसके पीछे विवाद भी काफी जुड़े रहते हैं। तो मेनका गांधी 1982 में इंदिरा गांधी ने मेनका को अपना घर छोड़ने और एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया। और 1980 में संजय की मृत्यु के बाद मेनका संजय जगह में रहना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें अपने पति की जगह लेनी चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में लाया और जो मेनका के लिए एक झटका था। और उसने संजय के समर्थकों के साथ संजय विचार मंच नामक की एक पार्टी भी बनाई हुई थी और सम्मेलन भी आयोजित करते थे। इंदिरा गांधी तब गुस्से में थी जब एक बार एक सम्मेलन में मेनका गांधी ने लखनऊ में उनकी इच्छा के खिलाफ बात की थी
और उसने मेनका का सामना किया और उस पर बुरा मानने का आरोप भी लगाया। इसके बाद एक तर्क दिया गया था कि जिसके तहत मेनका को इंदिरा के का घर छोड़ने के लिए कहा गया और कहा कि वहां रहने के लायक नहीं थी। तो ये आप सभी जानते हैं कि अब क्या है। एक आपने 2014 में भी सुना होगा, वो इनसे विवाद जुड़ा था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले मेनका गांधी ने बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया और उनसे अपने बेटे वरुण गांधी का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में रखने की अपील की थी। और उसने इस युवा के बारे में गलत बात की और कई लोगों द्वारा हताश होने के कारण उनकी आलोचना भी की गई थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सुल्तानपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा के लिए चुनाव आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था। और उसने कहा कि यदि उनके उसके निर्वाचन क्षेत्र के मुसलमानों ने उसे सत्ता में नहीं रखा तो वह उन्हें नौकरी पाने में मदद नहीं करेंगे। और इस बयान की कई लोगों ने निंदा भी की थी और जिसमें उनकी खुद की पार्टी भी शामिल थी, जिन्होंने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था और ये पार्टी के विचार नहीं थे। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह का कोई बयान देता है अगर कोई नेता, तो वो पार्टी क्या करती है कि बोल देती है कि ये उनका निजी अपना बयान है, इस बयान से मेरा कोई संबंध नहीं है हमारी पार्टी का। तो ये कहानी है आपके मेनका गांधी की और मुझे लगता है कि काफी लोगों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक तो नाम मुझे और एक तो मुरली मनोहर जोशी और एक लाल कृष्ण आडवाणी है, इनके बारे में भी हम लोग समय मिलता है उस समय हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और भी अगर कोई छूटा हो हमारे देश की राजनीति में तो बताइए, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक।